Namaste. In this video, we shall find out the process for attaching lead in and lead out automatically to all the pieces in a nested layout. Nested layout mein alag alag parts aur alag alag cutting cycles pe kis tarah se automatically lead in aur lead out lagaya ja sakta hai, ye aap is video mein dekh payenge. Before we go ahead, let us answer the question, how do we attach lead in and lead out of a certain length and of a certain style that is appropriate for our process. पहले हम ये देखेंगे कि lead in और lead out की length और उसकी style कहां से और कैसे define होती है. So let us go to this material list file. Material list file is located in C drive G0X in materials.csv. यहां पर आपको अलग अलग material grade और थिकनेस के लिए जो कटिंग पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कर्व डायमीटर है, लीड इन लीड आउट वगैरह, ये डिफाइन कर सकते हैं. नाउ इन कॉलम नंबर एफ यू विल फाइंड द लेंथ ऑफ द लीड इन एंड इन कॉलम नंबर जी यू विल फाइंड द लेंथ ऑफ लीड आउट. अपना खुद का मटेरियल और थिकनेस जो आप यूज करेंगे उसके लिए लीड इन लीड आउट आप डिफाइन कर सकते हैं. The description of the material file is available in a separate documentation. Please refer to that. Importantly, column number D, यहाँ पर आपकी tool size, या तो cutting tool diameter रहता है, इसको curve diameter भी कहते हैं. Your lead in should be at least twice of the tool diameter, and lead out should also be at least twice. But in case of laser cutting, lead out is absent. So you keep the length of zero over here. So with this, let us go back to the main nesting module. अच्छा, length का तो हमें पता चल गया. How do we define the style? Go to this, go to tool path, go to leader type. यहां पर आपको अलग अलग style के lead in lead out दिखाई देंगे. Lead in ऊपर है, lead out नीचे है. सबसे पहला जो style है ये वाला 90 degrees line. That is appropriate for laser cutting. Oxyplasma cutting के लिए inclined line या तो line with circular arc, इस तरह के option आप choose कर सकते हैं. Once you have decided and set the style of lead in lead out, this will stay for all the subsequent operations. Let us press the big button, come out of it, and now we are ready. तो ये आपका tool path view है. जनरली नेस्टिंग के बाद ये व्यू दिखाया जाता है, लेकिन इसको अगर बंद करके इसको ये ऑप्शन आप ऑन करेंगे तो आपको टूल पाथ व्यू या तो कटिंग प्लान का व्यू दिखाया जाएगा. यहां पर आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द कटिंग साइकल्स, मतलब आउटर और इनर बाउंड्रीज, ब्लू कलर के हैं, क्योंकि अभी तक उनके ऊपर लीड इन लीड आउट नहीं लगाया गया है, एक्सेप्ट वन. ये वाला पीस है, इस पे जानबूझ के एक लंबा सा लीड इन मैन्युअली बनाया गया है. क्यों बनाया गया है मैं आपको कुछ दो मिनट के बाद बताता हूं. नाउ इन पार्ट्स के ऊपर जो मैं अभी सिलेक्ट करने जा रहा हूं, इन पार्ट्स के ऊपर मुझे ऑटोमेटिकली लीड इन और लीड आउट अटैच करनी है. क्योंकि हम लेजर कटिंग की बात कर रहे हैं तो लीड आउट इसमें नहीं आएगा. अच्छा, पार्ट्स तो मैंने सिलेक्ट कर लिए. आई विल गो टू दिस मेन्यू कॉल लीडर. आई विल चूज द वेरी फर्स्ट ऑप्शन एट द टॉप, automatic leaders, and then I will try to explain how these parameters affect the automatic lead in lead out generation process. सबसे ऊपर है factor of safety 100%. देखिए, अगर आप चाहे तो factor of safety कम कर सकते हैं, खास करके उस केस में जब आपके दो parts के बीच में distance कम रहता है या तो बहुत छोटे holes रहते हैं, तो उसमें कभी कभार आप अगर चाहे तो अपना factor of safety कम कर सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट एडवाइजेबल. और अगर आपने ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम करके लीड इन लीड आउट अटैच किए तो इट इज वेरी डिजायरेबल कि यू चेक द रिजल्ट मैन्युअली एटलीस्ट वंस आफ्टर द प्रोसेस इज ओवर. एक बार चेक करना अच्छा रहता है अगर आपने कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी किया. दूसरा होता है स्टाइल. यहां बटन पे क्लिक करके मैं आपको बताऊंगा कि भाई यहां 10 अलग अलग स्टाइल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टाइल है स्टाइल नंबर वन एंड स्टाइल नंबर फाइव. स्टाइल नंबर फाइव ऑक्सीप्लाज्मा कटिंग के लिए यूज होती है.
स्टाइल नंबर 6 को भी आप यूज कर सकते हो, उसमें एंड पॉइंट स्नैपिंग के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस रहता है, और स्टाइल नंबर 1 रैपिड मोशन के लिए है। तो हम लेजर कटिंग के लिए पहला ऑप्शन चूज करेंगे, बड़ा बटन दबाएंगे, कुछ देर तक प्रोसेस चलेगी, कलर बदल गया, जिन पार्ट्स पे लीड इन लीड आउट लग गए हैं उनका कलर बदल चुका है, और किस तरह से लीड इन लीड आउट लगाया है हम देख लेते हैं। ये छोटे होल्स हैं, यहां पर भी लीड इन आ गया, यहां पर भी लीड इन आ गया, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि ये जो बड़ा पार्ट है नीचे, उसके लीड इन लीड आउट को चेंज नहीं किया गया। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस ऑप्शन विच आई टोल्ड यू। पहले तो वो जो पार्ट्स आप सिलेक्ट करते हैं उसी के ऊपर लीड इन लीड आउट लगाता है, दूसरा जो लीड इन लीड आउट ऑलरेडी डिफाइन किया गया है उसको चेंज नहीं करता, एंड फाइनली यू कैन चूज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नाउ सपोज यू वांट टू यूज समथिंग सिंपलर, फास्टर, इजियर, ओके, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अंडू दिस एंटायर प्रोसेस एंड देन go to custom, go to laser, go to very first option called reduce idle travel. ये laser cutting के लिए ज्यादा उपयोगी रहती है, यहां आपकी cutting sequence और lead in lead out दोनों modify किए जाते हैं, लेकिन यहां पर सभी cycles inner and outer सभी का lead in lead out change किया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने जो पसंद किए हैं उसी components के ऊपर lead in lead out लगेगा। इसके नीचे एक ऑप्शन है रीसेट लीड इन, खैर ये ऑप्शन अगर आपको जरूरत पड़ती है तभी यूज करना है। समझ लीजिए पहले वाले ऑप्शन में कुछ छोटे होल्स में लीड इन लीड आउट आप नहीं डाल पाए, यू कैन यूज दिस ऑप्शन, बट अगेन प्लीज मेक श्योर टू चेक, बिकॉज दीज टू ऑप्शंस डू नॉट यूज 100% सेफ्टी फैक्टर। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू से रिड्यूस आइडल ट्रैवल। आप देखेंगे कि इसमें जो नीचे वाला पार्ट है उसका लीड इन लीड आउट बदल दिया गया है, इट हैज बिकम स्मॉलर एंड इट हैज बीन रिलोकेटेड टू अ डिफरेंट पोजीशन। नाउ देयर आर सम अदर ऑप्शंस आल्सो, यू कैन गो टू एक्सप्रेस मेनू पर्टिकुलरली फॉर ऑक्सीप्लाज्मा कटिंग प्रोसेसेस। यहां पर एक ऑप्शन है रीसेट सीक्वेंस प्लस लीड इन, वेल दिस इज द सेम थिंग एज लेजर कटिंग अंडर कस्टम मेनू, बट यहां पर सीक्वेंस और लीड इन लीड आउट आपके ऑक्सीप्लाज्मा या वाटरजेट कटिंग के लिए मॉडिफाई किए जा सकते हैं। ये भी ऑटोमेटिक ऑप्शन है, ये आपको कोई सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम हो सकता है। फाइनली देयर इज ऑप्शन कॉल्ड एड ऑल लीड इन, ये ऑप्शन क्या करता है समझ लीजिए, आप लीड इन लीड आउट नहीं डाल पाए, आपका स्लॉट बहुत छोटा है और आप चेक भी नहीं करना चाहते, सिर्फ केवल लीड इन लीड आउट डालने की आपकी आपका टारगेट रहा है, देन यू कैन यूज दिस। बट इन ऑल सच केसेस पर्टिकुलरली फॉर द लास्ट 4 ऑप्शंस आई शोड यू, मेक श्योर यू चेक द रिजल्ट मैन्युअली विजुअली ऑन योर स्क्रीन बिफोर गोइंग अहेड। वैलिडेशन के लिए आप जानते होंगे ऑलरेडी यहां पर कमांड्स अवेलेबल है, लेआउट वैलिडेट, या फिर यहां पर शो वार्निंग्स, यहां पर आपको वैलिडेट करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो एज आई सेड आई विल जस्ट रिपीट वंस, दिस इज द मेन ऑप्शन जहां पर आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, यू कैन ऐड लीड इन लीड आउट विद द डिजायर्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यू कैन सिलेक्ट द शेप्स टू विच यू वॉन्ट टू रिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक लीड इन लीड आउट प्रोसेस, और इन कटिंग साइकल्स को आपने लीड इन लीड आउट देके रखा है उनको ये कमांड मॉडिफाई नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट।